हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आई फ्लू के बारे में। जैसे बरसात का सीज़न शुरू है, तो बरसात के सीज़न में आई फ्लू बहुत कॉमन है। इस बार तो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। जैसे बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इसीलिए वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होते हैं और इसके कारण आई फ्लू की समस्या इस दौरान ज़्यादा बढ़ जाती है। आई फ्लू को कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, आँख आना बोलते हैं, या फिर आँख लाल होती है आई फ्लू में, इसलिए इसे पिंक आई भी बोलते हैं। तो आई फ्लू में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो इसके लक्षण हैं आँख लाल होना, आँखों से पानी आना, या आँख में चीपट जमना, या डिस्चार्ज आना, सफ़ेद डिस्चार्ज आना या पीला डिस्चार्ज आना, फिर आँख सूज जाना या आँखों में ईचिंग होना। तो ये सारे लक्षण आई फ्लू में पाए जाते हैं। तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये किस वजह से होता है? क्या ये वायरल है, बैक्टीरियल है? तो मोस्टली ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है, मतलब एक वायरस के कारण होता है। और मोस्टली ये डिसीज़ सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब ये अपने आप ठीक होती है, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट तो कोई मेडिसिन नहीं है। तो अभी अगर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस अपने आप ठीक होती है, मतलब ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो इसका ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत होती है? देखिए, वायरल कंजंक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग है, पर अगर हमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इस कारण हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। पर अभी अगर ये अपने आप ठीक होती है तो इसके लिए कुछ ना करें, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अगर इन्फेक्शन जो काली पुतली दिख रही है, जो कॉर्निया होता है, उसमें स्प्रेड हो गई, तो विजन भी ब्लर हो सकती है और वो लाइफ टाइम के लिए ब्लर हो सकती है, इसलिए इसका इलाज कराना ज़रूरी है। अब बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, मतलब ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस मिलती है फार्मेसी से वो ले लेते हैं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टीरोइड ड्रॉप डालते हैं आँख में, जो आँख ठीक तो नहीं करती पर ज़्यादा डैमेज करती है। तो इसीलिए जब भी आपको आई फ्लू हो या पिंक आई हो, आप अपने नियर बाय आई डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन डालें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आई फ्लू ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। तो इसमें अगर परिवार के एक सदस्य को भी अगर आई फ्लू है, तो सारे सदस्य को 90% ऑफ द टाइम होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर मुझे कंजंक्टिवाइटिस है और अगर मैंने किसी टेबल या डोर के हैंडल को टच किया और वहाँ नॉर्मल पर्सन ने भी टच किया जिसको अभी तक कंजंक्टिवाइटिस नहीं है, और उसने वही हाथ अपने आँख में लगा लिया, तो उसको भी ये आई फ्लू हो जाएगा। तो इस कारण जब भी हमारे परिवार में किसी सदस्य को कंजंक्टिवाइटिस होता है, आँख आती है, तो उसके सारे वस्तु, जैसे खाने की वस्तु, टॉवेल या फिर नैपकिन, बेडशीट, सब अलग रखना चाहिए। फिर जब भी आई फ्लू होता है तो लोग काला चश्मा पहनते हैं, तो क्या देखने से आई फ्लू फैलता है? तो नहीं, देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। बेसिकली हम काला चश्मा देते हैं ताकि वो एक बैरियर रहे, मतलब हाथ ना लगे डायरेक्टली, और कंजंक्टिवाइटिस में लाइट के लिए भी सेंसिटिव हो जाती हैं आंखें, तो इस कारण काला चश्मा प्रेफर करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सवाल पेशेंट का होता है कि अगर मेरे परिवार में एक सदस्य को हो गया है, तो क्या हम सारे एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना शुरू कर दें? तो नहीं, एंटीबायोटिक ड्रॉप बेसिकली उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वो हो जाए तो उसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करना उसका काम होता है। इसीलिए अगर आप एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू कर भी दें तो एज सच उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो घर पे हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, घर पे आप कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं, मतलब आइस क्यूब्स आप क्लॉथ में लीजिए और अपने आँखों को सिकाई करिए, बंद आँखों पे सिकाई करिए, तो ये आप घर पे कर सकते हैं। पर जब भी आपको आई फ्लू होता है, अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनकी सलाह से ही ड्रॉप डालिए। तो अगर आई फ्लू का पेशेंट आपके घर में है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको हैंड वॉश रेगुलरली करना है, फ्रिक्वेंटली करना है। सेकेंड है सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करना है। थर्ड है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना है, जो वस्तुएं हैं वो एक्सचेंज ना हो, इसका ख्याल रखना है। अभी ड्रॉप्स, अगर कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो एक आँख का ड्रॉप दूसरी आँख में, अगर दूसरी आँख में हुआ नहीं है तो वही ड्रॉप इस आँख में नहीं डालना है। अगर आप पेशेंट को ड्रॉप डालते हैं तो आपको हाथ धो लेना है ड्रॉप डालने के बाद, और आपको खुद से ट्रीटमेंट नहीं करनी है, आपको एडवाइस लेके ही, आई डॉक्टर की एडवाइस लेके ही ड्रॉप शुरू करने हैं। और एक बहुत कॉमन डिसीज़ है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये 7 से 14 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती हैं।
तो बरसात के सीजन में आपको आपकी आंखों का खास ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।